हे नागों के राजा, हे नाग देवता, यदि नाग पंचमी की इस वीडियो को जो भी सच्चे दिल से लाइक करें, इसके जीवन में कभी दुख दरिद्र गरीबी मत आने देना, लाइक जरूर करें। दोस्तों, कई सालों के बाद जाकर के बना है नाग पंचमी पर महाविशेष योग। यदि नागराज आपका पीछा करते हैं, सपने में आते हैं, फन मारते हैं, तो वो वीडियो आपके लिए। दुश्मन भी धूम दबाकर भागेगा, परिवार में आएगी खुशहाली। देखिए दोस्तों, इस संदर्भ में नाग पंचमी का महापर्व सावन शुक्रवार के पवित्र शुभ समय पर पड़ा है। ऐसे में जब नाग पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती है, तब भगवान विष्णु प्रसन्न निद्रा में देते हैं। यानी आप भगवान विष्णु से जो भी मांग ले, आपकी हर इच्छा शीघ्र ही वो पूरी कर देंगे। तो शिव को प्रसन्न करने के लिए, विष्णु को प्रसन्न करने हेतु, नाग देवता को प्रसन्न करने के लिए नाग पंचमी पर करें ये विशेष उपाय। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार नाग पंचमी का त्यौहार श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। नाग पंचमी तीजा, शुभ मुहूर्त। नाग पंचमी साल 2024 में 9 अगस्त की सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक रहेगा। इस दिन पूजा के लिए 3 घंटे की अवधि मिलेगी। इस समय में पूजा करना शुद्ध फलदायी होगा और इस दिन सावन शुक्रवार भी है, जो कि ऐसा मौका शायद ही आपको प्राप्त हो, क्योंकि शुक्रवार धन की देवी माता लक्ष्मी को समर्पित है, तो जीवन में धन की प्राप्ति होगी। शुद्ध मुहूर्त में जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करेगा, तो उसके ऊपर से हमेशा के लिए कर्ज दोष, राहु दोष, पुत्र दोष, मंगल दोष, नजर दोष, शनि दोष होगा दीर। और दृष्टि, यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कालसर्प दोष, वो भी हो जाएगा समाप्त। और नागराज भी आपका पीछा नहीं करते। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर आपकी राशि के अनुसार यदि हमारे पास कोई उपाय होगा, तो वो आके हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे, ताकि आपका भाग्य और चमक जाए। राशि के अनुसार उपाय करने से उस व्यक्ति को महाधनी होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। राशि डालने के बाद लाइक भी जरूर करिएगा। दोस्तों, नाग पंचमी के दिन जो भी व्यक्ति ये एक उपाय करेगा, भगवान शिव उसकी झोली खुशियों से भर देंगे। उसके घर में सदैव धन की वर्षा होगी, सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। भगवान शिव आपको सावन के इस पवित्र महीने में धन से मालामाल कर देंगे। नाग पंचमी के दिन ये उपाय करने से आपका भाग्य 100 गुना चमक जाता है। आइए जानते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से नाग देवता की पूजा नाग पंचमी के दिन करनी चाहिए और कौन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए। अगर हम काल सर्प दोष से पीड़ित हैं, या फिर घर में धन संपदा की प्राप्ति चाहते हैं, महालक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो इस दिन हमें विशेष रूप से कौन से उपाय करने चाहिए, ये सभी बातें आज हम आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। दोस्तों, सदियों से नाग देवता की पूजा होती चली आ रही है, इसीलिए नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो इसका महत्व बहुत अधिक हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नाग देवता को दीद अर्पित करना चाहिए, दीद से इनको स्नान कराना चाहिए, तो इससे अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार नाग पंचमी के दिन जब नाग देवता की पूजा की जाती है, तो जीवन से संकटों का नाश होता है। इस दिन नागों की विधिवत पूजा करने से मन की कामना पूरी होती है, मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर इस दिन किसी व्यक्ति को नागों के दर्शन हो जाए, तो ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। नाग पंचमी के दिन पूजा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और सांप के काटने का डर भी दूर हो जाता है। तो नाग पंचमी के दिन पूजा का महत्व बहुत अधिक है। किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए नाग पंचमी के दिन, आइए जानते हैं। नाग पंचमी के दिन अनंत वासुकी, पदम, महापदन, तक्षक, कुनीर, करकप, शंख, कालिया और पिंगल नामक जो देव नाग होते हैं, इनकी पूजा की जाती है। पूजा में हल्दी, रोली, चावल और पी चढ़ाकर नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दीप से नाग देवता की पूजा की जाती है। कच्चे दीप से नाग देवता का अभिषेक किया जाता है और पूजा में जो खीलें रहती है, जैसे कि हम दीपावली पर प्रयोग करते हैं, धान का लावा, तो उस खील का प्रयोग किया जाता है, नाग देवता को अर्पित की जाती है। गाय के कच्चे दूध में वो खील मिलाकर फिर हम नाग देवता को अर्पित करते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है गाय के कच्चे दूध से नाग देवता का अभिषेक करने से, खील अर्पित करने से घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। ऐसे में इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा अवश्य करें। दोस्तों, किस प्रकार से पूजा करें? ऐसा होता है कि कुछ घरों में विधिवत नाग देवता की पूजा की जाती है,
जैसे कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, कहीं पर गिरी द्वारा बनाए जाते हैं, कुछ लोग गाय के गोबर द्वारा चित्र बनाते हैं, जैसे कि घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ गाय के गोबर या फिर गिरी द्वारा सांप के यानी कि नाग देवता के चित्र बनाए जाते हैं, फिर उनकी विधिवत पूजा की जाती है, यहाँ पर बीज अर्पित किया जाता है और खीर पी जो भी हम नाग देवता पर अर्पित करते हैं वही इस चित्र पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कुछ लोग अपने पूजा घर में भी बनाते हैं तो ये घर के परिवार की परंपराएं होती है। अलग अलग परिवारों में अलग अलग तरह के नियम होते हैं और हमें अपने परिवार की परंपरा का पालन जरूर करना चाहिए। तो जिस प्रकार से आपके घर में होता है आप विधि पूर्वक उसी प्रकार से पूजा कर सकते हैं, जैसे आपके घर में बड़े बुजुर्ग जिस प्रकार से पूजा करते हो अगर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, जैसे मुख्य द्वार में चित्र बनाया जाता है कहीं पर, तो कहीं पर घर के आंगन में भी बनाए जाते हैं। गाय के गोबर द्वारा या फिर गेरी द्वारा तो आपके घर में जिस तरह से होता है आप उसी प्रकार से नाग पंचमी का पूजा पाठ अवश्य कर सकते हैं। दोस्तों, अगर घर में नाग देवता की पूजा संभव ना हो तो आप शिवजी के मंदिर में भी जाकर पूजा कर सकते हैं। आपके घर में परिवार में बेशक नाग देवता की पूजा चित्रों द्वारा होती है, अगर आप नहीं कर पाते हैं और आप घर परिवार से दूर रहते हैं तो ऐसे में आप शिव मंदिर में जाकर शिवालय में जाकर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें और ऐसे में उनके साथ ही नाग देवता की पूजा भी संपूर्ण और सफल मानी जाती है, नाग देवता प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, नाग देवता पर आप गाय का सिद्ध कच्चा दूध अर्पित करें, आपके पास जो भी सामग्री है इसे अर्पित अवश्य करें। नाग देवता की पूजा करते हुए आपके मंत्र का जाप करना है, AUM भजन देशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। दोस्तों, इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करते हुए आप पूजा करें, उन पर सभी वस्तुएं अर्पित करें, धूप दीप भी अर्पित किया जाता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि नाग देवता के बहुत पास दीप नहीं रखना चाहिए और नाग देवता को बहुत पास से दीप भी नहीं दिखाने चाहिए। तो ऐसे में जो आप धूप दीप दिखाना चाहते हो तो आप देर से ही दिखाएं, यानी कि आरती करें और इसके बाद आपको नाग पंचमी की कथा हर हाल में अवश्य सुननी चाहिए। दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें, नाग देवता पर शराब दूध कभी अर्पित नहीं करना चाहिए, दूध ताजा होना चाहिए, घोर पाप लगता है। दूध हमेशा मिट्टी के पात्र से या फिर तांबे के पात्र से ही अर्पित करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार इस दिन दूध अर्पित करने वाले व्यक्ति को दूध का सेवन नहीं करना चाहिए बल्कि अगले दिन से दूध का सेवन करना चाहिए। इस दिन पड़ोसियों से दूध नहीं लेना चाहिए, पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन दूध का दान करने से नागों के राजा प्रसन्न होते हैं। सावन में हल्दी वाला दूध पीने से व्यक्ति को पाप लगता है। नाग पंचमी के दिन सांप को दर्शन करना बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है, ऐसा व्यक्ति नाग देवता की कृपा पाता है। दोस्तों, बहुत से लोग नाग पंचमी का व्रत भी रखते हैं। नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से मां लक्ष्मी की कृपा होती है। नाग पंचमी का अगर आप व्रत रखते हैं तो काल सर्प दोष आपकी जन्म कुंडली में है तो ऐसे में उस दोष से आपको मुक्ति मिल जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए, नाग देवता की कृपा पाने के लिए और नाग पंचमी का व्रत करने से काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है और इससे सांप काटने का डर दूर रहता है, सांप आपको कभी नहीं काटता। आपके ऐसा करने से ये बात तो तय है कि निकट भविष्य में सांप के द्वारा काटने से आपकी कभी मृत्यु नहीं होगी बल्कि नाग देवता आपकी स्वयं आगे खड़े होकर रक्षा करेंगे, इसीलिए नाग देवता की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए। दोस्तों, इस दिन कौन सा विशेष उपाय करना चाहिए जिससे कि अगर आपकी जन्म कुंडली में काल सर्प दोष का भय है तो किस प्रकार से वो दूर होगा? काल सर्प दोष की वजह से अगर आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, सफलता में बाधा आ रही है, जैसे कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो बनते बनते बिगड़ जाता है, काल सर्प दोष जब आपकी जन्म कुंडली में रहेगा तो आपका कोई भी कार्य पूरा होते होते रह जाता है। अंत समय में काम बिगड़ना काल सर्प दोष की वजह से भी होता है, या फिर संतान प्राप्ति में बाधाएं आती हैं, शिक्षा में बाधाएं आती हैं, नौकरी नहीं मिल पाती, घर में हमेशा कलह क्लेश रहता है, नकारात्मक ऊर्जा का वास रहता है, घर में और नकारात्मक विचारों का वास भी हमारे मन में रहता है अगर काल सर्प दोष हो तो। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए कि आप चांदी के नाग नागिन की पूजा करें। चांदी के नाग नागिन आप किसी भी सुनार से खरीद लीजिए, उसकी विधिवत आप पूजा करें, जैसे कि इन पर कच्चा बीज अर्पित करें और खीर बताशो अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें। विधिवत पूजा करने के बाद बहते जल में प्रवाहित कर दें तो इससे काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर चांदी के नाग नागिन ना मिले तो क्या करें? वैसे तो मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं लेना चाहते हैं
अतिरिक्त पंच धातु के भी नाग नागिन मिलते हैं, तांबे के भी नाग नागिन मिलते हैं, तो आप जिस भी तरह से पूजा करना चाहते हैं, काल सर्प दोष की पूजा अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपको बहुत लाभ होता है। दोस्तों, इस दिन आपको चाहिए कि आप एक पात्र में थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध ले। गाय का दूध अगर न मिले तो आप कोई भी दूध ले सकते हैं, पर गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ और गंगा जल की तरह पवित्र माना जाता है। तो ऐसे में एक कटोरी में थोड़ा सा कच्चा दूध ले, उसे दुर्बा द्वारा यानी जो दुर्बा घास होती है जो हम गणेश जी पर अर्पित करते हैं, इस दुर्बा द्वारा पूरे घर पर छिड़काव करो। घर के कोने कोने पर, मुख्य द्वार पर, बाहर भी और ऊपर छत पर, बालकनी में हर तरफ इस कच्चे दूध का छिड़काव करते हैं, तो इससे नाग देवता की कृपा बनी रहती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, माँ लक्ष्मी की अपार कृपा आपको प्राप्त हो जाती है, कार्य में आपको सफलता की प्राप्ति होती है। सभी प्रकार की जो बातें होती हैं हमारे जीवन में नाग पंचमी के दिन इस उपाय को करने से दूर हो जाती है। दोस्तों, इस दिन घर के मुख्य द्वार पर दोनों ओर गाय के गोबर से या फिर गेरी द्वारा अगर आप सर्प बनाते हैं, फिर उसकी विधि पूर्वक पूजा करते हैं, जैसे कि दूध, खीर, बताशा अर्पित करते हैं, तो इससे आपकी जो परेशानियां आपके घर में है, जैसे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में अगर प्रवेश करती है या फिर आपको बार बार असफलता की प्राप्ति होती है, धन का आगमन नहीं होता, बार बार धन का नाश हो जाता है, तो इससे मुक्ति मिलती हो, मतलब ये उपाय आपके धन वृद्धि के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अब जानते हैं अगर नाग पंचमी के शुभ अवसर पर अगर किसी भी व्यक्ति को सांप की कंचनी मिल जाए तो होते हैं ये फायदे। किस्मत वाले व्यक्ति को यदि नाग पंचमी के शुभ अवसर पर सांप की कंचनी मिलती है, सबसे पहले जानते हैं सांप की कंचनी के फायदे क्या है। इस वीडियो को एक बार ध्यान से देखना और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय नाग देवता जरूर लिखना। जितना आप नाग देवता को सम्मान देंगे उतना ही आपके ऊपर धन बरसेगा, शिव की कृपा बरसेगी, श्री हरि का प्यार बरसेगा। तो चलो इस वीडियो में जानते हैं सांप की केचुनी के कुछ दिव्य चमत्कारिक प्रयोग, लेकिन वीडियो पूरा देखें क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा ही खतरनाक साबित होता है। इसलिए ज्ञान किसी से भी लो, परंतु पूरा ज्ञान अवश्य ले लेना चाहिए, अधूरा ज्ञान व्यक्ति को पाप का भागीदार बनाता है। तो चलिए इस वीडियो में जानते हैं सांप की केचुनी के दिव्य एवं चमत्कारिक प्रयोग। सर्वप्रथम तो इसका दिव्य प्रयोग होता है गर्भ धारण करने के लिए। जैसे किसी माता बहनों का डॉक्टरी चेकअप सही है, डॉक्टरी दवा सही है, सब सही है, लेकिन सब चीज सही होने के बाद भी गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, या फिर ऐसे पुरुष जो कि जिनके डॉक्टरी चेकअप तो सही है, सब सही है, लेकिन देने के प्रयास के बाद भी अगर आपका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, बहनों अगर आपका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो परेशान नहीं होना है। हमें एक सन्यासी ने बताया था और इसके बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, हमें एक सन्यासी ने बताया था कि अगर किसी माता बहन को गर्भधारण नहीं हो पा रहा है तो गुड़ के साथ में सांप की केंचुली को पीना बताया है। ध्यान से सुनना, सांप की केंचुली का आपको बुरादा बना लेना है, थोड़ा सा आपको पीस करके रख लेना है और इसे गुड़ के साथ में खिला देना है, तो ऐसा माना जाता है इससे गर्भ धारण हो जाता है। बिल्कुल ही जो माता बहने जिनका गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है तो ऐसा माना जाता है मासिक धर्म के पांचवें दिन बाद अगर आप इसे खिला देते हैं तो दो महीने के बीच में बिल्कुल ही इसके एक ही बार के प्रयोग से गर्भ धारण हो जाता है। अगर एक बार से सफलता ना मिले तो पुण्य ये क्रिया करें, हमें दूसरी बार जरूर अपनाना चाहिए, लेकिन इसमें लाभ जरूर मिलता है। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि अगर जिस व्यक्ति की आंखें कमजोर है, आंखों पर चश्मा लग गया है, तो ऐसी परिस्थितियों में व्यक्ति को सांप की केंचुली अपनी बंद आंखों पर मसलनी चाहिए। इससे तेजी से आंखों की रोशनी बढ़ती है और आंखों में किसी भी प्रकार का दर्द, जलन, धुंधलापन नहीं होता है, और यह लाभ मैं भी पा चुका हूं। यह प्रयोग हमने कई बार अपनी ही आंखों पर आजमाया है, आंखों की रोशनी में काफी बदलाव होता है। इसके बाद बवासीर की बीमारी में भी इसका प्रयोग होता है, हम बहुत सारे लोगों के लिए बवासीर की दवा दे चुके हैं, बवासीर की बीमारी एकदम से चमत्कारिक रूप से ठीक होने लगती है। आप इसका प्रयोग एक बार अवश्य आजमाएं। उपाय कुछ इस प्रकार है, सांप की केंचुनी को जलाना है और सरसों के तेल में आपको मिला लेना है, और जिनको बवासीर है आप उन्हें लगाने के लिए बोलिए। कुछ दिनों बाद में आप देखना जो मस्से वाले बवासीर जो होते हैं वे झड़ जाते हैं या फिर बैठ जाते हैं, बहुत ही जल्दी इसमें आराम मिलता है। इसके बाद ये आपके धन की रक्षा करता है।
किस प्रकार से धन की रक्षा करता है। अगर आपको डर बना रहता है कि कोई शत्रु आपका धन न चोरी कर बैठे या फिर कोई आपका नुकसान न कर बैठे, आपका जो धन है इसे चुरा करके कहीं पर ना ले जाए, अर्थात आपको क्षत्रियों का भय रहता है या फिर आपको अपने धन की किस प्रकार से रक्षा करने का कोई भय सता रहा है, तो सांप की कैंचुली को आप धन पेटी में रख दीजिए या फिर ताला लगाते हैं। वहां पर इसे लाल कपड़े में बांध कर ताला लगाते हैं। उसके साथ में इसे बिल्कुल भी बांध दीजिए, बिल्कुल भी, ये धन की रक्षा करती है। जब तक ये धन की पेटी में सांप की कैंचुली रहेगी, किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि इसके होते हुए आपके धन को चोरी कर सके, क्योंकि शास्त्र के अनुसार नाग देवता सदियों से रक्षा करते दिए आए हैं। और जब आप सच्चे दिल से नाग देवता से अपनी रक्षा करने के तथा धन की रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं, तो स्वयं नाग देवता को आपके लिए आना ही पड़ता है। इसके बाद जैसे छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे रात में अचानक से उठ जाते हैं, मेरे सपने आते हैं। कई लोग तो सपने के कारण छोटे बच्चे के साथ साथ बहुत सारे ऐसे बहने को देखते हैं, भाइयों को देखते हैं, जो कि रात में अचानक से उठ जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, अचानक से नींद टूट जाती है, घबराहट से होने लगती है, नकारात्मक शक्तियां उन्हें परेशान करती हैं, तो ऐसे लोग क्या करें। बुरे सपने से बचने के लिए अगर किसी को पितृदोष लगा हो, पितृदोष से बचने के लिए अगर किसी को रात में सांप नजर आते, सर्प नजर आते हैं, काल सर्पदोष लगा हो, अगर आप इससे बचना चाहते हैं, तो इन सभी चीजें में जैसे बुरे सपने हैं, पितृदोष हो, काल सर्पदोष हो, अगर इनसे बचना चाहते हैं, तो चांदी के ताबीज में सांप की कैंचुली को डाल करके आप जो है धारण करें, तो बुरे सपने आना बंद हो जाते हैं। बिल्कुल भी आपको जो बुरे स्वप्न आ रहे हैं आना रोक देते हैं। या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने देखा है जो रात में अचानक से उठ जाते हैं, बुरे सपने की वजह से रात में अचानक से उठ जाते हैं, तो ये रात में आने वाले सपने को भी रोकते हैं। अगर आपके भूत प्रेत बहुत सारी जो बाधाएं होती हैं, इनसे अगर डर है, तब भी आप इसे धारण करें, ये आपकी रक्षा करता है। इससे आपका राहु भी बलवान होता है, ठीक होता है। इसके बाद चलिए इस वीडियो में जानते हैं कि अगर सांप की कैंचुली धारण की जाए तो इससे हमें क्या फायदा मिलता है। सर्वप्रथम तो अगर एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से देखा जाए तो ये राहु एवं केतु दोनों के दुष्ट प्रभाव को दूर करता है। दोस्तों हम ये भी बताएंगे कौन से सांप की कैंचुली इस्तेमाल करनी है और कौन से सांप की नहीं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। क्या पता आपने गलत सांप की कैंचुली इस्तेमाल कर ली और इसमें आपका ही नुकसान हो जाए, यानी आपको फायदा नहीं मिलेगा। तो वीडियो के एंड में हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो फायदे जाने, इसके बाद अगर आपके शत्रु आपको परेशान करते हैं, शत्रु बलवान है, तो आप इसे चांदी के ताबीज में डाल करके धारण करें, इससे शत्रु डरते हैं। जैसे लोग सांप से डरते हैं, इसी प्रकार शत्रु भी आपसे डरने लगे। इसके बाद ये घातक रोग को ठीक करते हैं। बहुत सारे ऐसे रोग हो जाते हैं जो कि लंबे समय से आपके शरीर में रुक जाते हैं, ठीक होने का नाम भी नहीं ले रहे, तो सांप की कैंचुली को जो लंबे समय से बीमार है, ठीक नहीं हो पा रहे, कुछ आराम नहीं मिल गया। तो भगवान शंकर जी के नाम का स्मरण करते हुए महामृत्युंजय मंत्र का थोड़ा सा जाप कर लेना, शिवलिंग पर इसे टच करा करके चांदी के ताबीज में डाल करके सोमवार के दिन सूर्य उदय के बाद बिल्कुल ही आप उन्हें पहना देना, तो घातक रोग अर्थात जो ठीक ना होने वाले रोग कहे गए हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। घातक रोग यहाँ पर कई प्रकार के होते हैं, तो इसके इस्तेमाल से धीरे धीरे ठीक होने लगते हैं। उसके बाद ये कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए आपकी काफी मदद करती है। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कार्य में सफलता नहीं मिल पा रही है, और ऐसे में बिल्कुल ही वे सफलता के अंतिम छोर में होते हैं, सफलता के निकट ही पहुंचे हुए होते हैं कि कुछ कारणों की वजह से वह पूर्ण सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, अर्थात वहीं से वो नीचे गिर जाते हैं। कहने का मतलब है इनके कार्य सिद्ध नहीं हो पाते। ऐसे हैं शिक्षा की दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि सफल बने में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग होते हैं, नौकरी प्राप्त करने से एक ही कदम पीछे रह जाते हैं, असफलता उन्हें परेशान कर देती है, अर्थात उन्हें धकेला जाता है। तो अगर आप चाहते हैं हर कार्य में आपको सफलता मिले, आपकी गवर्नमेंट जॉब लगे, या फिर लंबे समय से कुछ प्रतिभागी तैयारी कर रही हैं, प्रतियोगिता की कुछ अच्छी आप तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप जो है एक सफल व्यक्ति बनना चाहते हैं,
इसे चांदी के ताबीज में डालकर धारण करें, बहुत ही ज्यादा आपको लाभ मिलता है। यदि गुप्त धन प्राप्त करने के लिए, पैतृक संपत्ति प्राप्त करने के लिए ये दोनों कंडीशन में अगर कोई व्यक्ति गुप्त धन अर्थात आपको कहीं ना कहीं से किसी न किसी माध्यम से धन प्राप्त हो, आप अगर ऐसा चाहते हैं या फिर पैतृक धन आपको ज्यादा से ज्यादा प्राप्त हो, तो आप बिल्कुल ही सांप की केंचुली जरूर धारण करें। फिर आप देखना, सांप की केंचुली पहनने के बाद गुप्त धन की प्राप्ति होती है, क्योंकि सदियों से गुप्त धन की रक्षा करते आए हैं नाग देवता। तो ऐसे में बिल्कुल ही काले धन की प्राप्ति होती है और पैतृक धन की प्राप्ति होती है। ये पहनते ही आपको तत्काल नहीं मिलेगा, पहनने के कुछ दिन बाद आपको गुप्त धन मिलेगा, काला धन मिलता है। किसी न किसी माध्यम से आपको अचानक ही धन की प्राप्ति होती रहे। तो अगर आप भी सांप की कैंचुली पहनते हैं तो हमने आज कई सारे फायदे बताए। अगर आपके पास चांदी का ताबीज नहीं है तो आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं और उसमें सांप की कैंचुली डालकर पहन सकते हैं। दोस्तों, अब जानते हैं सांप की कौन सी कैंचुली सर्वोत्तम और मंगलकारी और आपके लिए शुद्ध मानी गई है, कौन सी कैंचुली इस्तेमाल करनी चाहिए और प्रभावशाली लाभ इसकी मिले। आइए जानते हैं। ये जो काला नाग होता है, यानी भगवान शिव के गले में जो नाग होता है, उसकी उतारी हुई कैंचुली ही आपको इस्तेमाल करनी है। ये कुछ इस प्रकार दिखती है। ध्यान से देखिए, मामूली सांप की कैंचुली तो आपको हर जगह मिल जाएगी, लेकिन काले नाग की कैंचुली किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि वह साक्षात नागों के राजा है, नाग देवता है। सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में लिखे ओम नमः शिवाय, जय नाग देवता। एक लाइक तो बन पाना।